हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, आज की वीडियो में बलरामपुर चीनी शेयर कवर करने वाले हैं। देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा शानदार तेजी देखने को मिल रही है सारे चीनी शेयर में। दो से तीन दिन पहले वीडियो बनाई थी, एक हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी, ये मान लीजिए पिछले 15 दिन में कम से कम 3 वीडियो बनाई है गाइस मैंने चीनी शेयर पे, जिनमें से मैंने 2 ही शेयर कवर करे हैं, बजाज हिंदुस्तान एंड बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी को उठाने वाला हूँ आज। बजाज हिंदुस्तान के बारे में मैंने बता दिया, 8 तारीख को रिजल्ट भी आ रहे हैं और शेयर काफी शानदार है, ऊपर जा सकता है। आज बलरामपुर चीनी शेयर के बारे में बात करने वाला हूँ दोबारा से, उसके बारे में बात करेंगे, उसके शेयर के टारगेट के बारे में बात करेंगे। शेयर ऊपर आ गया है, ऐसे में नई पोजीशन बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए, या जिसके पास पोजीशन थी उसे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो दोनों राय जानेंगे क्या है। और गाइस, ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से टारगेट आए हैं, इनफैक्ट ब्लॉक डील भी हुई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सेकंड अपडेट देना चाहता हूं कुछ शेयर्स पे मैं। गाइस, मैंने एक हफ्ते पहले टायर स्टॉक पे आपसे कहा था कि टायर की डिमांड आ रही है और सप्लाई कम है, जिसके चलते जेके टायर के सीईओ ने भी कमेंट करा था, वो भी आपको बताया था, मैंने बाइंग की सलाह दी थी। आज टायर स्टॉक में अच्छा मूव आता दिख रहा है। मेरी टॉप पिक गाइस अपोलो टायर और सीएट थी। सीएट में मूव नहीं आ रहा था, अपोलो में तो आ गया था, सीएट में भी अभी मूव देखने को मिल रहा है। 1320 पे बाइंग थी गाइस, 1360 पे सीएट आ चुका है। अपोलो में गाइस 210 220 15 पे बाइंग थी, 240 पे आ चुका है, जो कि अपोलो तो मिनिमम 20% 10-15% का रिटर्न दे चुका है। अभी यहां से बुक नहीं करना है गाइस, सीएट में तो बिल्कुल बुक नहीं करना गाइस। सीएट 1400 दिख रहा है मुझे, सीएट में आज मूव आना शुरू हुआ है, तो सीएट में तो बिल्कुल मूव नहीं, बुक नहीं करना है, सीएट में बने रहना है। अपोलो में आप चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सेकंड, कल संडे को मैंने वीडियो बनाई थी गाइस, वीडियो बनाई थी भारतीय एयरटेल पे, भारतीय एयरटेल पे बाई की रिकमेंडेशन थी गाइस, 530 से 535 से मैं गाइस कंटिन्यू बाय करा रहा हूँ शेयर आपको। आज के दिन में शेयर ने 540 का हाई लगाया है, लेकिन फिर से शेयर दोबारा 538.7535 पे चल रहा है। यहाँ पे गाइस सबसे पहली बात है, आप कहोगे गाइस ये तो 2-3 रुपए हुए, तो मैं आपको बता दूं 530 पे बाइंग करिए जिसने, वो भी बना रहा है, 535 वाला भी बना रहा है। पोजीशन से निकलना नहीं है गाइस, 550 के लेवल अल्टीमेट लेवल इसी हफ्ते आने चाहिए, 550 तक तो मिनिमम जाएगा शेयर, उसके ऊपर आपकी इच्छा है, रखना चाहते हैं रखें और बुक करना चाहते हैं बुक करें। 550 पे शेयर इस हफ्ते आपको मिल जाएगा, तो आपको वेट करना है भारतीय एयरटेल में। ठीक है गाइस, एक ये अपडेट हो गई, एक टायर स्टॉक्स की अपडेट हो गई, और दूसरी गाइस कल मैंने HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे वीडियो बनाई थी, 2620 पे था शेयर, मैंने कहा था 2550 2600 2580 जहाँ भी मिले बाय करना है। तो मेरे पास एक कमेंट भी आया था, कमेंट आया था कि भाई अब ये गिरने वाला नहीं है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, 30 रुपये डाउन है शेयर, कितना 30 रुपये, 2590 पे ट्रेड कर रहा है, लो कितने का लगाया 2580 का, यानी कि 10 रुपये और गिर के थोड़ा रिकवर हो गया। तो शेयर में यहाँ से बाइंग बनी रहनी चाहिए गाइज, डरना बिल्कुल नहीं है, बाइंग बनी रहनी चाहिए। अगर थोड़ा और नीचे मिल जाए ना तो परफेक्ट लेवल हो जाएगा, 2550 के करीब मिल जाए, 2560 पे भी आ जाए, 80 पे भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 90 पे भी हम बाय करके जाएंगे अपना, कम से कम 50% पैसा आप लगा सकते हैं गाइस इस लेवल पे नीचे मिले तो, बचा हुआ पैसा लगाना है। शेयर में 2700 से 2750 के लेवल बहुत ही जल्दी देखने को मिल रहे हैं, और शेयर आज डाउन हो सकता है क्योंकि सारे फाइनेंशियर नीचे हैं, देख सकते हैं आप बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये सारे 4-4, 3-3% डाउन है, तो इसमें भी वॉच करनी चाहिए गाइस। वीडियो बड़ी हो रही है, 3 मिनट की वीडियो तो अपडेट में ही निकल गई। बात कर लेते हैं बलरामपुर चीनी के बारे में, बाकी अपडेट बाद की बात है। शेयर की बात करें तो काफी ज्यादा शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है इंट्राडे में गाइस, काफी ज्यादा शानदार मूव आ गया है शेयर में। अभी के करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 338 21 रुपये ऊपर है, 338 पे 21 रुपये ऊपर है, यानी कि 6.5% की तेजी, 310 295 305 कंटिन्यू बाय करवा रहा हूँ गाइस, कंटिन्यू बाय करवा रहा हूँ। इनफैक्ट परसों जब 320 पे था और नीचे जा रहा था, तो मैंने ये भी कहा था कि नीचे आ जाए 310 तक तो बाय करें, और अगर 324 के ऊपर निकलता है, जो कि इसका 200 डे DMA भी है, तो गाइस अगर वहां से ऊपर निकला है तो बाय करना है। तो आज 324 के ऊपर निकला और टिका, और उसके बाद आप देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी बन गई है शेयर में, 52 वीक हाई के करीब पहुंच चुका है, 3% रह गया मात्र अपने 52 वीक हाई से, 341 का हाई लगाया आज का और 349 का हाई, 52 वीक हाई है जो कि इसका ऑल टाइम हाई भी है। शेयर में क्या करना चाहिए नई पोजीशन वालों के लिए मैं बोलना चाहता हूं गाइज, अगर थोड़ा सा इंट्राडे में थोड़ा सा नीचे ऊपर मिले तो आप वहां पे बाय करके जा सकते हैं गाइज। इसमें टारगेट आए हैं ICICI डायरेक्ट की तरफ से, उनका मानना है उन्होंने 285 से टारगेट बढ़ा के 385 कर दिया है शेयर। सबसे पहली बात, आज चीनी शेयरों में उछाल क्यों, क्योंकि गाइस आपने देखा जो सन 2023 से 25 तक 5% इथेनॉल का टारगेट था गवर्नमेंट का, वो बढ़ा के 10% कर दिया है, यानी कि डबल, यानी कि इन शेयरों में जान तो है भाई, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का फोकस है गाइस इन सारी कंपनीज पे,
इथेनॉल जितना ज़्यादा प्रोडक्शन देगी गवर्नमेंट इन्हें जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा इनके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि शुगर से आपको पता है इन लोगों के पास प्रॉफिट नहीं निकल रहा था, लेकिन यहाँ से गवर्नमेंट ने इन्हें एक चांस दिया है कि यहाँ से पैसा बनाओ, जो कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर मान रहे हैं अपने लिए। सारे चीनी शेयर आज देखो भाई, सारे चीनी शेयरों में बहुत ज़्यादा शानदार तेजी देखने को मिल रही है। कोई सा भी उठा के देख लो आप, अपना बजाज हिंदुस्तान तो 5% का अपर सर्किट मार रहा है पिछले 3 दिनों से कंटिन्यू, मुझे लगता है कल भी मारेगा क्योंकि कल रिजल्ट है। उसके बाद अगर कुछ घोषणा जो भी होगी, रिजल्ट कैसे आते हैं उसके बाद, उस पर रिएक्ट भी कर सकता है, अदरवाइज मुझे लगता नहीं है ज़्यादा कुछ रिएक्ट होगा। अपसाइड है, जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी, तो बजाज हिंदुस्तान में भी बने रहे। बलरामपुर चीनी गाइस थोड़ा नीचे आ सकता है इंट्राडे में, अब एकदम स्पाइक आया तो स्पाइक हल्का सा तो नीचे आएगा, तो वहाँ पे बाय कर सकते हैं, और जिनके पास पोजीशन आएगा वो चाहे तो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, जब मिल रहा है तो ले लो, क्या दिक्कत है। तो ये बजाज बलरामपुर चीनी पे राय, आप अगर 350 भी क्रॉस करता है तो गाइस 385 जो कि टारगेट आया है ICICI डायरेक्ट की तरफ से वो आ सकते हैं, नो डाउट। और शेयर में बहुत ही ज़्यादा जान बन सकती है, क्योंकि इथेनॉल का बहुत ही ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है इथेनॉल पे, उसके कारण इन सारे शेयर्स में तेजी बन रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये शेयर क्यों भाग रहे हैं, ये शेयर भाग रहे हैं गवर्नमेंट की वजह से। गवर्नमेंट ने इथेनॉल के का प्रोडक्शन बढ़ाने की कह दिया गाइस, सन 2030 तक 20% का है गाइस, जो कि अभी 23 से 25 तक 5% का था, जिसे बढ़ा के 10 कर दिया है। तो ये खबर है जिसके कारण रिएक्ट कर रहे हैं सारे चीनी शेयर्स, बाय की पोजीशन बनी रहनी चाहिए। और गाइस टारगेट काफ़ी अच्छे आ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकता है आपको शेयर। और आप देख रहे हैं कि गाइस क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट भी आ रहा है, सबसे बड़ी बात प्रॉफिट भी आ रहा है भाई, जो चीज़ लॉस में जा रही थी वो प्रॉफिट भी निकाल रही है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पे बने रहिए, नो डाउट। तो ये थी मेरी राय बलरामपुर चीनी शेयर पे, और बजाज हिंदुस्तान भी थोड़ा सा कवर करा है, और अपडेट जो देनी थी वो दे चुका हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड डे गाइस।